भगवान श्री चंद्रदेव जी का 526वां महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी का 526वां महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ योगानंद आश्रम मोती झील स्थित महामंडलेश्वर स्वामी श्री रुद्र देवानंद जी के सानिध्य में मनाया गया। भगवान श्री चंद्रदेव संवत 1551 भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन लाहौर के पास खड़गपुर तहसील के तलवंडी ग्राम में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के यहाँ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुलक्षणा देवी के गर्भ से हुआ और चंद्रदेव भगवान के बाल्यकाल से ही शिव स्वरूप में दर्शन होते थे और उन्होंने धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाया और प्रत्येक व्यक्ति की ओर कदम रखते हुए उन्होंने साधु समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आचार्य बद्रीश जी ने कहा कि भगवान चंद्रदेव ने उदासीन मत का प्रकाशन किया, उदासीन संप्रदाय की स्थापना करके ज्ञान और भक्ति इनका समुच्चय स्थापित करते हुए उपासना को प्रधानता दी। उदासीन मत कियो प्रकाश ज्ञान भक्ति सो भव भय नाश, पंचदेव पूजा करवाए धर्म सनातन दियो जगाए। उस समय विधर्मी आक्रांताओं का अत्यंत भारतवर्ष पर प्रभाव था, परंतु अपने दिव्य प्रभाव से, अपने आलोक से, साधुता के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से पंचदेव की उपासना का ऐसा जबरदस्त प्रचार प्रसार किया कि मानव जाति के अपने सोए हुए या विलुप्त हुए सनातन धर्म को पुनः जागृत कर दिया। महामंडलेश्वर स्वामी रुद्र देवानंद जी महाराज ने कहा, उदासीन संप्रदाय अपने आप में भक्ति और ज्ञान मार्ग के समुच्चय का संप्रदाय है। उदासीन का मतलब होता है उत उधर्वम आसीन, यानी उच्चावस्था में सदैव स्थित रहना। इसके साधक सदैव सामान्य स्थिति से ऊपर उठकर एक सामान्य ज्ञानी की काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि से ऊपर उठकर केवल भक्ति भगवान में ही लीन रहते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। उदासीन संप्रदाय के परम पूज्य महंत श्री सेवादास जी महाराज ने उदासीन संप्रदाय के द्वारा आज समूह में राष्ट्र में अनेक प्रकार की जो सेवाओं का विस्तार होता जा रहा है, साथ ही संप्रदाय के जो अखाड़े हैं बराबर साधु सेवा समाज सेवा एवं वर्तमान की राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अनेक सुधारवादी कार्यों को उदासीन संप्रदाय आगे बढ़ा रहा है। महंत मोहिनी बिहानी शरण महाराज ने कहा, उदासीन संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने उदासीन पंचायती अखाड़ा उदासीन पंचायती नया अखाड़ा इनके माध्यम से भी अधिक सेवाओं का संचालन किया और आज जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी है इसको दूर करने में हमारे संतों में बहुत बड़ा उत्साह था और मन में जनता को लेकर के जो विश्वव्यापी चिंता थी, तो संतों ने आज संप्रदाय के आचार्य के महापर्व को और संपूर्ण जितनी भी अपनी योजनाएं हैं उनको विश्व के आरोग्य के लिए समर्पित करते हुए भगवान श्री चंद्रदेव से कामना की कि हे प्रभु आप कृपा करें, आप शिव स्वरूप हैं और महाकाल स्वरूप हैं, जो अचानक आई हुई विश्वव्यापी आपदा है इस महामारी का विनाश करें दूर करें। कार्यक्रम में महंत सेवादास उदासीन, महंत सुबोधानंद, महंत शिव चेतन, स्वामी चंदन मुनि, स्वामी देवानंद उदासीन, महंत राघव, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम गोस्वामी, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौर, शुभम पंडित उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। आज जो है यहाँ योगानंद आश्रम में जो है और श्री चंद जयंती का जो है आज श्रीचंद नवमी मनाई जाती है, तो श्रीचंद भगवान का जो है दुग्ध अभिषेक किया गया, पंचामृत स्त्राण किया गया और पुष्पार्चन किया गया। भगवान का जो है पुष्पों से जो है स्वागत किया गया, पुष्पार्चन किया गया भगवान का। और आज जो है 500 जो है 26वां जो है भगवान का जो है दिवस है, जयंती उत्सव है, उस उत्सव में जो है आज जो है यहाँ वृंदावन के काफ़ी संत महंत महामंडलेश्वर उपनेश्वर और हमारे आचार्य भगवत वृंद सभी यहाँ जो है उपस्थित रहे और उन्होंने उपस्थित रहकर यहाँ जो है 16 उपचार से जो है भगवान श्रीचंद भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में जो है चंदन वंदन किया, चंदन वंदन करने के बाद में पुष्पों से पुष्पार्चन किया, पुष्पांजलि हुई और बड़े आनंद का आज का दिन है। आज नवमी है, 9 का अंक जो होता है वो परिपूर्ण होता है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की शक्ति होती है और आज वह भक्ति शक्ति जो है उससे हम संपन्न रहें, ऐसी श्रीचंद भगवान से आज हमने जो है प्रार्थना की है और श्रीचंद भगवान की कृपा हमारे पे सदैव सदैव के लिए बनी रहे और श्रीचंद भगवान का आशीर्वाद आज प्राप्त करने के लिए आज हमने श्रीचंद भगवान का पूजन अभिषेक किया। श्री चंद्रदेव शिवमद्वितीय भस्मावलिप्त शशि शुभ्र वर्णम पद्मासनस्थम सुखदम मुनीन्द्रम वाक्काय सिद्धि सततम भजेहम। बोलो चंद्रदेव भगवान की जय। आज से लगभग 525 वर्ष पूर्व लाहौर के खड़गपुर तहसील में तलवंडी ग्राम में गुरु नानक देव जी के यहाँ उनकी धर्मपत्नी
श्रीमती सुलक्षणा देवी के द्वारा श्री चंद्रदेव भगवान इस धरा धाम पर पधारे। उन्होंने अपनी तपो साधना के द्वारा एक अलग से उदासीन संप्रदाय की स्थापना की और जिन्होंने उदासीन मत कियो प्रकाश ज्ञान भक्ति सो भव भय नाश पंचदेव पूजा करवाए धर्म सनातन दियो जगाए। जिन्होंने सनातन धर्म की पूर्ण जो परिपाटी है उसका पालन करते हुए पंचदेव उपासना को स्वीकार करते हुए सनातन धर्म की इस श्रृंखला को बहुत आगे बढ़ाया और उदासीन संप्रदाय को प्रकाशित करके आज सारे विश्व में उन्होंने सनातन धर्म की अलग को जगाया। आज भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन जब प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था, हम लोग प्रतिवर्ष श्री चंद्र नवमी के रूप में भगवान श्री चंद्र का अभिषेक करते हैं, उनका अर्चन पूजन वंदन आरती एवं उनके गुणानुवाद का उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनकी जयंती को समारोह पूर्वक प्रतिवर्ष मनाते हैं। आज योगानंद आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी श्री रुद्रदेवानंद जी के सानिध्य में इस सुंदर मोती झील क्षेत्र में अभिषेक करके और इस उत्सव को मनाया गया है। सभी संत महंत और धर्माचार्य यहाँ पर उपस्थित हुए। ये भगवान श्री चंद्रदेव का 526वां जो अवतरण दिवस है, ये निरंतर इसी प्रकार से हम मनाते रहें और इनके आदर्श का, इनके दिए उपदेशों का हम पालन करते रहें। ऐसी भावना के साथ बोलो चंद्रदेव भगवान की।